गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमावत आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों, अपन ने 1.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज पढ़ ली थी, अब अपन आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। और 1.2 में अब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आपको रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर ठीक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर कहाँ से काउंटेबल होते हैं, वन से होता है आपके पास में 1, 2, 3, 4, जो काउंटेबल नंबर होता है उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं अपन। ठीक, इसको अपन एजी से लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए आप लाइन पे डिनोट करोगे। इसी प्रकार आप होल नंबर के अकॉर्डिंग बात करोगे तो होल नंबर में मैंने कहा था 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि उसमें 0 भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, ये लो होल नंबर, ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास में होल नंबर हो गया। इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग बात करो तो इंटीजर नंबर क्या होगा अपने पास में, नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स नंबर्स की बात करो यहाँ पर तो इंटीजर्स नंबर हो गया आपके पास में, जिसमें अपने पास में क्या हो, नेगेटिव वैल्यू भी हो। फिर अपने पास में आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को अपन को किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन पे डिनोट करने से पहले मैंने बताया था कि रेशनल नंबर होता है क्या है, रेशनल नंबर वैसा नंबर होगा जिसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके, उनको कहेंगे अपन रेशनल नंबर। अब इसको अपन नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करना है। यदि मान लो आपके पास में कोई भी दो नंबर दे दिया जाए, देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, जैसे नंबर लाइन पे मैंने 0 और ये 1 डिनोट किया यहाँ पर। अब 0 के बाद में जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो पॉइंट, देखो 10 छोटी छोटी लाइनें मिलती है आपके पास इनमें, यदि मैं 1 सेंटीमीटर का लेता हूँ तो हर एक लाइन के बीच में 0.1 mm, ठीक इतने का डिस्टेंस रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, 0.1, फिर 0.2, 0.3 ऐसे करते हुए 1 पे पहुंचेगा ये। अब ये पॉइंट को उठा के नीचे डेसिमल के अकॉर्डिंग करते हैं तो 1/10 हो गया, 2/10 हो गया, इस प्रकार से डिनोट करते हैं अपन। तो 20 में कहीं ना कहीं पांचवी लाइन रहेगी आपके पास में, वहां पर आपके पास में 1/2 भी आएगा, ठीक यानी कि पांचवी लाइन पे मैंने बताया 5/10 करता हूँ तो 2 की टेबल से 1 टाइम और 2 टाइम, यानी कि 1/2। और 1/2 को अपन हाफ बोलते हैं, आधा बोलते हैं यहाँ पर, आधा हो गया, तो ये आधा 1 और 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट रहेगा आपके पास में। इस प्रकार अपन क्या रहेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में अपन को अदर 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, उनके बीच वाला 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करना है अपन को आज। तो जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपके पास में। पहला क्वेश्चन दे रखा है रिप्रेजेंट दिस नंबर लाइन, दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको। एक्सरसाइज 1.2, और इसमें पहले क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट 7/4, 7/4 को नंबर लाइन पे डिनोट करना आपको। तो ये नंबर लाइन लिया आपने, ये 0 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर लाइन लिखी मैंने, ठीक पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव नंबर लिखे मैंने, नेगेटिव नंबर नहीं था तो नेगेटिव नंबर मैंने रिप्रेजेंट नहीं किए, ठीक। अब अपॉन में 4 चला जाते, सबके अपॉन में 4 डिनोट कर दो, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा 7/4, यहाँ पर लाइन पे डिनोट
हो जाएगा। आगे है यहां पर माइनस का 5.6। अब माइनस का 5.6 को एड लाइन पे डिनोट करना है आपको, तो नेगेटिव संख्या भी दे जिसमें, तो माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, इस प्रकार बढ़ रहा है। और अपॉन में दे दिया 6, तो अपॉन में सबके नीचे 6 लगा दो, तो ये आपके पास में माइनस का 5.6 को रिप्रेजेंट करना था, माइनस का 5.6 हो गया। इसी प्रकार देखो अपने पास में थर्ड वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं यहां पर। सॉरी, पहले देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, यहां पर रिप्रेजेंट माइनस का 2/11, माइनस का 5/11 और माइनस का 9/11 नंबर लाइन पे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में बता रहा हूं कि राइट फाइव रेशनल नंबर विच आर इसमें स्मॉलर देन, हरे स्मॉलर देन 2, यानी दो से छोटे आपको 5 रेशनल नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ठीक, अब यहां पर नंबर लाइन फाइंड आउट करने, सॉरी नंबर लाइन में तो क्या बताना आपको, वैसे ही बताना है कि दो से छोटे हैं वो कितने रेशनल नंबर होंगे वो बताना करना है, और कितने बताने आपके पास में 5 नंबर रेशनल बताने आपको, कितने बताने 5। तो यहां पर इसको क्या करोगे आप लोग, यहां पर ये 2 है, 2 से पहले कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा। इस प्रकार आप यहां पर 5 रेशनल नंबर डिनोट कर सकते हो। यदि पॉजिटिव की बात करता तो पॉजिटिव में लेके चल लेते, ये लो पॉजिटिव में लेके चले, तो देखो सबसे पहले 2 दे रखा है और कितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपसे, यहां पर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कितने के निकले का है 5 रेशनल नंबर का करने के लिए का है। तो अब आपको कह दिया जाए 5 के लिए, तो देखो ये 2 कब बन सकता है, जब 6 में अपन 3 का भाग दे दें, तो ये 6 ले लिया यहाँ पर 6/3, फिर अगला 5/3 इससे पहले वाला, और इससे पहले वाला 4/3, नीचे 3/3, फिर अपने पास में आ जाएगा क्या 2/3, 1/3, तो ये 5 रेशनल नंबर भी हो गए अपने पास में। आप देखो यहां से 3 की टेबल से इसको काटता हूं, तो 2 से छोटे हैं सारे सारे नंबर आपके पास में, तो ये अपन ने 2 से छोटे बता दिया आपको 5 रेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन बोल दिया गया है फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस का 2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2, इन दोनों की बात की आपसे। 10 रेशनल नंबर पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस का 2/5 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में आने वाले 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको। तो देखो इस बार क्या करोगे आप लोग, यहां पर 10 नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दोगे आप लोग, यहां पर जो 10+1 करना है आपको, 10+1 करना है, और क्या कितना हो जाएगा आपके पास में 11 हो जाएगा। अब पहले तो देख लो यहां पर, ये आपके डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखे हैं यहां पर, या तो डिनोमिनेटर को सेम बना लो, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाता हूं, तो इसको तो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, और इसको कर दो इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, यानी माइनस के 2/5 को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक, और इसको कर दो आप इस डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कोई डाउट यहां तक नहीं है। आगे देखो माइनस का 4/10 हो गया एंड 5/10 हो गया नंबर, ये देखो 2 की टेबल से इसको काटता हूं तो कट जाएगा, ये 5 की टेबल से कट जाएगा, वापस यही नंबर मिल जाएगा आपको। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दो और 5 रेशनल नंबर पता चल जाएंगे आपके पास में। यहां पर ले लिया मैंने माइनस का 4/10, माइनस का 3/10, माइनस का 2/10, माइनस का 1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। आप देख लो माइनस के 4/10 से लेके 5/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर आ गया आपके पास में। आप
कितने आ गए, 8 नंबर आ गए। अब आगे के दो रेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों के लिए क्या कर दो आप, यहाँ पर अलग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बना लो। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे इसको 10 डिनोमिनेटर कर दिया चेंज, 10 के अलावा और कुछ ले सकते अपन यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक तो ये मेथड है, इस मेथड से करोगे आप लोग, यहाँ एक मेथड में क्या रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा आपके पास में, यहां पर जो नंबर दे रखा है, जो नंबर दे रखा है उस नंबर को उसके, जैसे आप 10 रेशनल नंबर पूछा तो इसको क्या कर दोगे, 10+1 यानी कि 11 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो 2 अपॉन में 5 इंटू 11 अपॉन 11 एंड इसमें 1/2 × 11/11। देखो तीन मेथड के अकॉर्डिंग बताऊंगा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 22/55 एंड इससे मल्टीप्लाई करूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, 11/22 हो जाएगा। अब देखो इसको तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर क्या होगा, ऊपर नीचे इसको तो किया किससे मैंने, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दिया मैंने किससे, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 44/110 एंड ये कितना हो जाएगा, 55/110 इसके अकॉर्डिंग। अब इनके बीच वाले सारे नंबर लिख दो, कौन कौन से आएंगे, माइनस का 43/10, माइनस का 42/110, 110 माइनस का 41/110, इस प्रकार नंबर लिख दोगे आप, कितने 10 नंबर लिखने से वो माइनस के आ जाए। देखो 10 नंबर 43 नंबर तो माइनस के वैसे ही आ जाएंगे आपके आपके पास में, ठीक ये आपके पास में। और एक मेथड होता है इसमें, वो रहेगा आपके पास में एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास में, यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन था आपके पास में, माइनस का 2/5 एंड 1/2 ये दे रखा था। तो इसके लिए जब भी आपको रेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए इन दोनों के बीच में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये था, a+b/2। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, तो यहाँ ए तो क्या रहेगा फर्स्ट नंबर और बी रहेगा ये सेकंड वाला नंबर, और अपॉन में 2 करना है आपको। तो यहाँ पर ए की जगह तो माइनस का 2/5 + 1/2 / 2 इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 10 और अपॉन में क्या दे रखा है 2। 10 में इस 5 का डिवाइड करोगे यहाँ पर 2 × 2 के ऊपर वाला ही, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 4 प्लस का साइन, इस 2 का 10 में डिवाइड करोगे 5 × 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। यहां तक कोई दिक्कत, आगे ध्यान दो ये 5 प्लस का दे रखा है, माइनस का 4 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो क्या करोगे, 5 प्लस का है और माइनस का क्या दे रखा है, 4, तो दोनों को कंपेरिजन कर लो, 5 प्लस का और 4 किसका दे रखा है, माइनस का, तो दोनों में से बड़ा कौन सा, 5 है कितना ज्यादा है, ए 1 ज्यादा है, यहां पर कितना ज्यादा है 1, तो ये जाएगा ऊपर 1/10 और इस पूरे के अपॉन में। अब ये 10 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, एक नंबर आया आपके पास में 1/20, और ये नंबर आया वो इन दोनों के बीच का है तो माइनस का 2/5, फिर इससे बड़ा है 1/20 और इससे भी बड़ा है क्या दे रखा है 1/2। अब चाहे इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, ये फॉर्मूला लगाओ इन दोनों को ऐड कर लो, चलो ये किया 1/20 + 1/2 अपॉन में क्या आएगा फॉर्मूले का 2। इन दोनों का फिर एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, ट्वेंटी आ जाएगा, 20 एलसीएम ले लिया अपॉन में ये वाला 2, 20 का 20 में डिवाइड करोगे तो 1 × 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 20 में फिर 2 से डिवाइड करोगे आप लोग तो कितने टाइम 10 × 10 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। ये हो गया ऊपर 11/20
और इसके अपॉन में 2, तो ये 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस बार नंबर क्या जाएगा आपके पास में, 11/40, ये नंबर आया आपके पास में। तो ये नंबर किसके बीच का है आपके पास में, माइनस का 2/5, फिर इससे बड़ा 1/20, फिर इससे बड़ा है आपके पास में 11/40, फिर इससे बड़ा 1/2। इस प्रकार आप बाकी के इसके और नंबर फाइंड आउट करोगे। अब आगे लेता हूं मैं आपके पास में अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसमें बोला गया आपके पास में फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन। अब पांच रेशनल नंबर बताने करने आपको 2/3 एंड 4/5 के बीच में, ठीक। और इसी देखो पांच क्वेश्चन दे रखे, पांच क्वेश्चन में तीन पार्ट दे रखे आपके पास में, तीन क्वेश्चन ये खुद कर लोगे आप लोग। सिक्स वाले में बोला गया पे राइट द फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस के 2, माइनस 2 से ज्यादा ग्रेटर देन पांच रेशनल नंबर लिखना है। अब आपको अब वो क्या हो सकता है उसमें बात कर लेते हैं अपन यहां पर। नंबर दे रखा आपके पास में यहां पर माइनस 2 से ग्रेटर देन बताने रे भाई, बड़े बताने आपको पांच रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैसे डिनोट करोगे आप पर? देखो माइनस का 2 है वो कैसे बन सकता है आपके पास में, माइनस के 4 में जब 2 से डिवाइड किया जाए तब हो सकता है। देखो पी अपॉन क्यू के रूप में निकाल रहा हूं तो ये हो सकता है अपने पास में। अगला इससे बाद में क्या आ सकता है, इससे बड़ा देखो माइनस का 3/2, माइनस का 2/2, माइनस का 1/2, 0/2, 1/2, 2/2, ये सब अपने पास में क्या रहेंगे इस माइनस के 2 से बड़े। देखो इस 2 का इसमें डिवाइड करता हूं तो माइनस के 2 टाइम जाएगा, माइनस का साइन तो है और 2 टाइम जाएगा। तो ये जो नंबर आएंगे वो आपके पास में लार्जेस्ट होंगे, या फिर दूसरे ये बोल दिया जाए माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है आपके पास में माइनस 2 से बड़े ही आपके पास में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आएगी। फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो अपने पास, सॉरी सेवन्थ वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। तो ये आप लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पर 1.2, और ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में डिनोट कर लोगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अब नया चैप्टर लेके आएंगे, उस चैप्टर का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।